हम लोग जैसे लोग कभी नहीं बोलेंगे कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। अरे मेहनत करो, सब कुछ हो जाएगा भाई। मेहनत करो और विश्वास रखो खुद पे। और ये चार लोग अब जैसे कि मेरे ही रिलेटिव कुछ नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, वो नहीं करेगा, आज के डेट में सब पलट गए। कहाँ हो अमृत, ये वो आ जाना, तो नॉर्मल है सर। आप सभी का रामोबी टॉपर शो में हार्दिक स्वागत है। आज के इस स्पेशल एपिसोड में मेरे साथ हैं अमृत कुमार गुप्ता, जो कि एक जीएसटी इंस्पेक्टर बने हैं एसएससी सीजीएल 2020 के थ्रू, और ये अपने आप को इंट्रोड्यूस कुछ अलग अंदाज में भी करते हैं। बहुत माना जाना इनका अंदाज है, बहुत बच्चे इनको प्यार दे रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, तो मैं इनसे कहूँगा कि अपने अंदाज में एक बार खुद को इंट्रोड्यूस करें। थैंक यू सर फॉर इनवाइटिंग मी। एंड मेरा जो इंट्रोडक्शन है वो ऐसे होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं अमृत राज डुमराव टीवी का मालिक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। बहुत बढ़िया अमृत, आपका बहुत बहुत स्वागत है रामोबी टॉपर्स में। एक अलग तरह का इंट्रोडक्शन एक टॉपर का हुआ है, मुझे बड़ा मजा आ रहा है। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ सबसे पहला, कि जब रिजल्ट आता है ऑफिशियली, आपको पता चलता है कि आपको जीएसटी इंस्पेक्टर की पोस्ट मिल गई, आइडिया लग जाता है कि शायद हो जाएगा, बट वो जो मोमेंट है ऑफिशियली सेलेक्ट होने का, वो थोड़ा उस मोमेंट के बारे में बताएंगे आप? सर एक ड्रीम था कि कैसे भी करके गवर्नमेंट जॉब ले लेना है, और सबसे ज़्यादा खुशी मेरे मम्मी को और पापा को थी, बहुत ज़्यादा। मतलब जैसे ही रिजल्ट में मैंने देखा B23, देन आई गॉट एक्साइटेड वेरी मच। उस समय लगा कि मेरा जो मेहनत है वो सफल हो गया। और जीएसटी इंस्पेक्टर आज की डेट में अगर मैं देखूं 2020 ऑनवर्ड से वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर पोस्ट हो गई, अगर फील्ड जॉब्स की बात करें तो, राइट? ये थोड़ा डुमराव टीवी वाला जो सीक्रेट है थोड़ा समझाओ यार, कई लोगों को समझ नहीं आता कि डुमराव टीवी क्या है, राइट? पहली बार मैंने जब इस नाम को सुना है तो मुझे थोड़ा ये आइडिया था कि बिहार में डुमराव करके एक जगह है, क्योंकि तो मेरा एक फ्रेंड था तो वो उसकी बिलोंगिंग वहाँ की रही है, अच्छा, जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में था तो मेरे को नाम सुना हुआ था, बट बहुत सारे लोग नहीं जान पाते हैं कि डुमराव टीवी क्या है भाई, थोड़ा बताइए। तो मैं आपको बता देता हूँ कि डुमराव टीवी एक यूट्यूब चैनल है, जिसके थ्रू अमृत जो है एस्पिरेंट्स को, स्पेशली एसएससी सीजीएल के बच्चों को खूब सारा मोटिवेशन दे रहे हैं, उन्हें हर एक मोमेंट पे डेली वीडियो बना बना कर जोश भर रहे हैं कि मैंने निकाला एग्ज़ाम तो तुम क्यों नहीं निकाल सकते हो। और ये बहुत काबिल तारीफ काम है, वीडियो मेकिंग आसान नहीं है, एक क्रिएटर की लाइफ को मैं समझ सकता हूँ कि एक एक वीडियो बनाने के लिए कितनी मेहनत जाती है, एडिटिंग जाती है, मोबाइल से एडिटिंग करते हैं ये, अभी मैं इनसे पूछ रहा था कि सारा काम मोबाइल से करते हैं, बहुत मुश्किल काम है, लेकिन इनकी पर्सनालिटी बड़ी ज़बरदस्त है, कैमरा फ्रेंडली हैं, ह्यूमरस हैं। थोड़ा सा ये डुमराव टीवी का सीक्रेट रिवील करिए कि क्या है और कब आपने सोचा कि ऐसा कुछ करते हैं हम? एक्चुअली मेरे को शुरू से लगा जो मेरे शहर का नाम है ना, वो मेरे से ज़्यादा मेरे शहर का नाम होना चाहिए। तो एक आया डुमराव, और कोई चैनल का नाम नहीं मिल रहा था, डुमराव टीवी का, तभी आइडिया आ गया था कि नहीं, डुमराव को, मैं डुमराव को रिप्रेजेंट करता हूँ, और ये मेरे तहसील का नाम है, मेरे टाउन बिहार का से? नाम, यस, बिहार से। ओके और बस 2016 में मैंने ये चैनल स्टार्ट करा हुआ था, लेकिन एक्टिव नहीं था उस पर, क्योंकि होता है ना सर कि कुछ अचीव कर लो उसके बाद बोलो अच्छा लगता है। तो एक अंदर से ये था ना कि जैसे ही गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन सब लोग कर रहे थे अपने दोस्त में, तो था कि गवर्नमेंट जॉब लेने के बाद मैं यूट्यूब पर आ जाऊँगा, और फाइनली हुआ यहीं, और यहीं से डुमराव टीवी शुरू और हुई। ये स्टाइल आपने पकड़ी, मतलब वो रंगीन चश्मा लगा के बोलना, मैंने देखा एक दो वीडियो आपको, बड़े बड़े अच्छा लगता है वो इंट्रोडक्शन, बड़ा पावरफुल है। कैसे ये दिमाग में आपने क्रिएट किया कि मुझे ऐसे अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है? क्योंकि यूजली क्या है ना, जो टॉपर्स हैं वो बड़ा सीरियस फेस लेके बच्चों के सामने आते हैं और सिर्फ बात करते हैं, पढ़ो 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 ऐसे करो, आप एक अलग नज़रिया लेकर आए, एक ह्यूमर लेके आए, वो कैसे दिमाग में आया आपके? सर मेरे को ये लगता है ना कि बहुत ज़्यादा सीरियस सीरियस रहो, अपने काम को लेकर के सीरियस रहो, डैट्स गुड। मेरे साथ ये था कि मेरे को जो ज़्यादा सीरियस लोग होते हैं ना, उनसे मेरा हो नहीं पाता था, मतलब उनसे मैं कट आउट हो जाता था। ठीक है, पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई के दौरान सीरियस रहिए, बट दैट डज नॉट मीन कि आप प्रिपरेशन कर रहे, तो आप अपने लाइफ में हैप्पीनेस को ही भूले हुए हैं। लाइफ का एक वो हैप्पीनेस अलग पार्ट है, आप प्रिपरेशन कर रही है एक अलग पार्ट है। बहुत सारे मैंने ऐसे लाइफ में लोगों को देखा है ना, जो इतना ज़्यादा प्रिपरेशन के दौरान सीरियस है, इतना ज़्यादा सीरियस है, मतलब बहुत ज़्यादा वो तवज्जो दे देते हैं अपने खुद से ज़्यादा। लाइक अगर मैं बोल रहा हूँ सर कि अगर जो ये सरकारी नौकरी है, जीएसटी इंस्पेक्टर का पोस्ट है, आपके आपका जो कैपेसिटी है ना, इससे नीचे ही है ये चीज़। बहुत सारे लोग, हम लोग जैसे थे प्रिपरेशन शुरू में, आइडिया नहीं था, तो एक होता है ना कि ज़्यादा, मतलब शुरुआत थी हमारी, ठीक है, तो बहुत बड़ी चीज़ें लगती थी, बट अचीव करने के बाद लगा। तो अब जहाँ तक कॉन्फिडेंस की बात रही सर, मेरे लाइफ में कुछ ऐसे मेरे दोस्त रहे हैं जो कि जिनको देख करके मोटिवेशन मिलता था, कुछ ऐसे दोस्त रहे हैं मेरे कि जो चिल रहे हैं अपने लाइफ में, मस्ती भी कर रहे हैं और अपना स्टडी भी कर रहे हैं, तो इनको देख करके एक अलग लेवल की एनर्जी स्प्रेड होती थी, मतलब सीरियस लोगों के कंपैरिजन में मैं बोल रहा हूँ।
तो फिर यही आइडिया है कि मेरे को देख करके काफी लोग मोटिवेटेड फील करते हैं और उनको एक हिम्मत आती है कि जब ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, और बस यहीं से शुरुआत हुआ था। मैं एक बात और बता देता हूँ, इन्होंने मुझे कुछ स्क्रीनशॉट शेयर किए बहुत पहले के ट्विटर पे, इन्होंने मुझे कुछ लिखा था, और एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा वाकया है कि इन्होंने एक लाइव क्लास में मेरे लिखा, प्रीलिम्स के बाद था ना, राइट? यस यस यस। कि इन्होंने कहा कि मैं 87 अटेम्प्ट करके आया हूँ, मेरी गर्लफ्रेंड 92 करके आई है, अब मैं क्या करूँ? कुछ बताओगे उसकी क्या कहानी है, ये सच्चाई है या झूठ है? सर गर्लफ्रेंड नहीं थी, दोस्त थी, बेस्ट फ्रेंड थी। हाँ। और जो जिसने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया है, उसका जो बैकग्राउंड था ना वो आर्ट्स बैकग्राउंड से था और उसने भी सेल्फ स्टडी से जॉब लिया था। उसका एक रिएक्शन वीडियो है उस लड़की का, मेरी बेस्ट जो फ्रेंड है सोनाली अग्रवाल, इस पे वो अपलोडेड है, लाखों अच्छा। लोगों ने देखा है। ओके। तो बस मैंने ऐसे ही मजे में, बस नहीं होता कि बचपना होता है सर, और उसने मुझे काफ़ी मतलब वो एक होता है ना कि जब मैं डिमोटिवेटेड फील करता था तो वो काफ़ी वो मेरे साथ रही है और आज भी है। तो यही है, तो वही बस जीए बोल दिए थे। अच्छा, और मैंने बोला था आपको जीएसटी इंस्पेक्टर मिलेगा और इनको बाद में जीएसटी इंस्पेक्टर मिला। yes. कुछ चीजें सच हो जाती हैं, राइट? एकदम सच हो गई सर। बहुत बढ़िया। कुछ चीजें मुझे जाननी है, ये जो टॉपर एपिसोड है, मैं सभी को बताना चाहता हूँ कि यूजली आपने रामा भी टॉपर्स के बहुत एपिसोड देखे जहाँ बहुत डीप में स्ट्रेटेजी और बहुत कुछ डिस्कस करते हैं हम लोग, बट ये टॉपर शो जो है एक पर्सनालिटी सेलिब्रेशन है, ये टॉपर सेलिब्रेशन है। स्ट्रैटेजी तो इनके खुद के चैनल पे इतने वीडियोस पड़े हैं, डुमराव टीवी चैनल पे जाओ यूट्यूब पे और देखो। तो इसको थोड़ा हल्का फुल्का रखेंगे, मस्ती भरा रखते हैं, तो और स्ट्रैटेजी भी पूछूंगा मैं, कि ऐसा नहीं कि बिल्कुल कुछ नहीं मिलेगा आपको। थोड़ा समरी वाइज स्ट्रैटेजी भी इनसे मैं कुछ ना कुछ जरूर पूछूंगा, इन्होंने क्या किया, किससे पढ़ा, कैसे किया, सारी बातें करेंगे। हर तैयारी जो होती है कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी, इसमें एक संघर्ष भी होता है, राइट? तो जब रिजल्ट आ जाता है तो आपको लोग देखते हैं कि हाँ ये तो टॉपर है, बट उसके पीछे की जो कहानी है वो थोड़ा समझना चाहता हूँ मैं। सबसे पहले आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, किस बोर्ड से आपकी पढ़ाई हुई, 10th 12th और ग्रेजुएशन के बारे में थोड़ा बताइए। सर 10th मैंने डुमराव से ही, मैंने एवरीथिंग जितना भी प्रिपरेशन रहा है ना बचपन से लेकर के आज तक, वो सब कुछ डुमराव से ही हुआ है। 10th मैंने बिहार बोर्ड से, सब कुछ बिहार बोर्ड से, हिंदी मीडियम से मैंने करा हुआ है सर। और 10th मैंने CPSS हाई स्कूल वहाँ पर है डुमराव में, वहाँ से करा हुआ है, और 11th 12th अपना कॉलेज से, ठीक है, और ग्रेजुएशन वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी से मैंने करा हुआ है। राइट। तो हिंदी मीडियम के जो बच्चे होते हैं अक्सर मैंने देखा है कि थोड़ा सा फियरफुल होते हैं, मैं भी था यार, बड़ा डर लगता था स्टेज से बोलने से, बड़ा टाइम लगा सब सीखने में। आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस कैसे है, थोड़ा सा इसके बारे में बताओगे कि क्या स्कूल्स में ही आप एक्स्ट्रा करिकुलर में एक्टिव थे, ये कॉन्फिडेंस का राज क्या है आपके कि कैमरा को इतना बढ़िया से आप फेस करते हो, इतना बढ़िया बोलते हो आप, ब्लॉगिंग करते हो, ब्लॉगिंग मैंने आपको देखा कि आप जैसे लिफ्ट में अभी ब्लॉग कर रहे थे, तो मैं सोच रहा था कि लिफ्ट खाली लिफ्ट में हम लोग घुसें, तो मैं थोड़ा कॉन्शियस हो जाता हूँ कि अगल बगल लोग हैं तो कैसे कैमरे में बोला जाए। आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस है कि कहीं भी आप मेरे ख्याल से अपना कैमरा निकाल के शूट कर सकते हो, तो ये कहाँ से कॉन्फिडेंस आता है? सर क्लास 10 तक मैं इंट्रोवर्ट था, तो मतलब फिर भी एक होता नहीं है कि बचपन से काफ़ी दब के रहना, मतलब वीक फील करना, और धीरे धीरे जैसे ही मतलब मैं ऑब्जर्वेशन बहुत ज़्यादा करता हूँ कि खुद में क्या कमी है, उसको मैं बचपन से लेकर एक आदत मेरी अच्छी है कि अच्छाई मैं बहुत जल्दी ढूंढ लेता हूँ, और यही चीज़ मेरा शुरू से लेकर के अब तक साथ निभा रही है। और धीरे धीरे जैसे ही लगा कि नहीं, कॉन्फिडेंस लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है, लाइक अगर स्टेज पर शो हो रहा है ना, तो मेरे को शुरू से ही लगता था कि मैं वहाँ क्यों नहीं हूँ। मतलब ये चीज़ मुझे अंदर से, मतलब मेरा माइंड जो था वो बच्चा वाला ही था, बचपन से ये लगता था कि मुझे वहाँ होना चाहिए था और एक दिन मैं वहाँ जाऊँगा, तो ऐसा था। और बचपन से जो मेरी स्कूलिंग रही वो स्कूल बदल बदल के मैंने पढ़ा हुआ है, बिकॉज मेरे पेरेंट्स जो थे छोटे छोटे स्कूलों में अपना पढ़ाते थे, जिस स्कूल में पढ़ने का सपना था उस स्कूल में हम लोग एफर्ट नहीं कर सकते थे, बट फाइनली जब मेरा 12th हो गया तो मैं उसी स्कूल का टीचर बना। बैकग्राउंड था हिंदी मीडियम, लेकिन उस इंग्लिश मीडियम के स्कूल में मैंने इंग्लिश टीच किया। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। तो ये कैसे आपने सब्जेक्ट को कैसे ग्रास्प किया इतनी जल्दी? इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ माई होम ट्यूशन एंड माई टीचर, एक शिक्षक है, मैं 9th क्लास से उनके यहाँ पढ़ा, 9th से लेकर के 12th तक, तो इंग्लिश मतलब ग्रामर रिपीट होने लग गया और वो काफ़ी एनर्जेटिक, उनसे मुझे मैंने काफ़ी कुछ सीखा हुआ है। मनोज सर नाम है, वो डुमराव के ही हैं, काफ़ी ज़्यादा मतलब वो वहाँ के पॉपुलर शिक्षक हैं, तो उन्हीं से मैंने काफ़ी कुछ सीखा और वहीं से सब कुछ। इंग्लिश अगर हम लोग अच्छा है तो ही इज ओनली वन मैन आर्मी। ओके, तो वहाँ से आप 12th के बाद पढ़ाने भी लगे? 12th के बाद मैंने पढ़ा। ओके, दैट्स रियली ग्रेट। ग्रेजुएशन की स्ट्रीम क्या है आपकी? फिजिक्स ऑनर्स सर। फिजिक्स ऑनर्स आपने किया, और ये कब पूरा हुआ? सर जैसे 2015 से लेकर के 18 तक ये क्लियर हो जाता मेरा, बट बिहार का एक है कि एक साल लेट चलता है सेशन, तो 2019 के जनवरी में रिजल्ट आया। ओके, तो CGL का कब सोचा आपने कि ये इंस्पेक्टर वगैरह बना जाए? सर कुछ वो विजन नहीं था, दोस्त से जैसे पूछी क्या करना है, तो बोला कि कुछ मतलब अभी क्लैरिटी नहीं था, तो SSC का नाम हमने सुना हुआ था, तो बोला SSC करना है,
तो हाँ एसएससी करते हैं लोग, तो एक दोस्त बोला कि एसएससी करके बूढ़ा होना है, तो मेरे दिमाग में वो बैठ गया कि ये सही बोल रहा है। लाइक बूढ़ा होने का मतलब तैयारी लंबी है नहीं, एसएससी का प्रोसेस जो है ना वो बहुत ज़्यादा वो है, लंबा है, तो वो चीज़ बोला। और जो बिहार में सरकारी नौकरी का महत्व है ना वो बहुत ज़्यादा है, तो फिर हुआ कि सारे दोस्त लोग समय के साथ साथ एसएससी के फील्ड में आ गए और मैंने भी अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया। मतलब अवेयर नहीं थे सर उस समय, 2016 में पता था एसएससी, जाके ऐसे ही घूम रहे थे, जा करके एग्ज़ाम दे रहे थे, ठीक है। और फाइनली मैं अवेयर हुआ 2018 से, मैं सीरियस हो गया, क्योंकि जो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा रहा था मैं, मुझे लगा था ना कि इसमें पढ़ा के ही मतलब अपना प्रिपरेशन हो जाएगा, बट मैं किसी भी चीज़ में 100% देता हूँ, वहाँ पे टाइम स्पेंड करने के बाद मुझे नहीं लगा कि वहाँ से मेरा सिलेक्शन तैयारी हो पाएगा। और काफ़ी बड़ा वो ऑर्गेनाइजेशन था, ठीक है, तो वहाँ पे मैं 4 महीने तक पढ़ाया, उसके बाद लगा कि नहीं रिजाइन दे दो। क्योंकि होता क्या था ना सर कि उस समय मैं सीरियस नहीं था पढ़ाई को लेकर के, बट स्कूल में मैंने पढ़ाना शुरू किया ना, तो मैं ये चीज़ मैंने रियलाइज किया कि इस स्कूल में मैं 6-6 घंटे बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। और ये लोग क्या करते थे ना कि संडे को और सैटरडे को भी बुलाते थे, संडे को कंप्यूटर पे काम करना होता था, तो बड़ा सर एक नहीं होता कि ऐसा लग रहा था कि आज़ाद नहीं फील कर रहे हैं। और उस टाइम मुझे ये रियलाइज हुआ ना सर कि माइंड से अंदर से वो आ जाता है मेरे ऑब्जर्वेशन से कि अगर मैं 6 घंटे पढ़ा सकता हूँ और अगर मैं 6 घंटे अगर पढ़ लूंगा ना तो डेफिनेटली आई विल क्रैक एसएससी। तो 2018 से फिर मैंने प्रक्रिया शुरू की, उस समय बिगिनर था 2018 में सर, पूरा 2018, और मुझे पेड कोर्स के बारे में भी कोई आइडिया नहीं था सर, छोटे जगह से है तो कोई बताने वाला नहीं था, बस एसएससी है, यूट्यूब पे कंटेंट पड़ा हुआ है, पढ़ो, तो मेरे साथ ये था। और वहीं से मतलब धीरे धीरे अपना करके, एक बात अमृति बहुत अच्छी लगी कि जब इन्होंने वहाँ पढ़ाया तो इनको लगा कि यार इतना मेहनत क्यों ना खुद के लिए की जाए एग्जाम निकालने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप कहीं भी मेहनत करते हो वो खराब नहीं जाती है, कहते ना एक मेहनत की आदत लगती है, और अगर मेहनत की आदत आपको लग गई तो आप जिंदगी में कभी रुकोगे नहीं। बहुत बढ़िया, ये तैयारी का सफर आपका 2018 में स्टार्ट हुआ फिर एसएससी का? यस सर। तो कैसे आपने तैयारी करी, जैसे आपने बोला पेड कोर्स का पता नहीं था, तो क्या आपने कोई पेड कोर्स वगैरह ज्वाइन किया, कैसे प्लानिंग करी शुरुआत में तैयारी करने की? 2018 में मैंने पता किया कि डुमरांव में कौन पढ़ाता है, तो एक सर थे मेरे विश्वजीत सर, तो वहाँ पे मैं कुछ टाइम तक गया, कुछ टाइम तक पढ़ा, लेकिन एक होता है ना कि मैं थोड़ा क्लास इरेगुलर था, तो मुझे लग गया कि अब जैसे कोई चैप्टर में पढ़ रहा हूँ तो फिर वो रेगुलरिटी नहीं थी, तो फिर घर आया, मैंने डिसीजन लिया कि मैं खुद से ही ढूंढ ढूंढ के अपना यूट्यूब से पढ़ूंगा। और पेड कोर्स उस समय इंडस्ट्री का हमको लग रहा है कि स्टार्टिंग पीरियड था 2018 सर, तो मैंने यूट्यूब से अपना जैसे कि अलजेब्रा हो गया, अलजेब्रा फॉर CGL ऐसे लिखा, अलजेब्रा का एक सर का वीडियो आ गया अभिनय सर का, मैंने वहाँ से अलजेब्रा सीख लिया, ट्रिग्नोमेट्री भी सीख लिया मैंने, मैं देखता था कि वो पता चल जाता था कि कहाँ पर क्या है, जैसे अलजेब्रा में सपोज कीजिए कि 9 वीडियो है तो 9 वीडियो एकदम इज्जत के साथ उसको रिस्पेक्टफुली एकदम नोट्स बनाता था, उसको कॉन्सेप्ट को मैं प्रैक्टिस करता था और उसके बाद फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था। तो पूरी आपकी जो प्रिपरेशन जर्नी है स्टडी है, सेल्फ स्टडी प्लस यूट्यूब? यस सर ओनली। राइट, तो आप थोड़ा सा गहराई में घुसते हैं और एक एक करके सब्जेक्ट के बारे में ब्रीफली मैं पूछूंगा कि आपने क्या क्या कॉन्टेंट का इस्तेमाल किया है, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। सबसे पहले मैं आपसे पूछता हूँ कि SSC CGL में मैथ्स की जो आपने तैयारी करी वो कहाँ कहाँ से क्या क्या चीज़ें कवर करी, विस्तार में बताइए। जैसे सर मेरे साथ ये था ना कि मैं कम कंटेंट से ज़्यादा कुछ सीखने की कोशिश करता हूँ। लाइक मेरे को ये पता था ना कि मैं काफ़ी इधर उधर से मैंने पढ़ लिया, जैसे नहीं होता कि एक बिगिनर भटकता है, इसका भी पढ़ लो उसका भी पढ़ लो ऐसे, तो ये चीज़ हुआ। फिर फाइनली मेरे को लगा क्लास नोट्स, राकेश यादव एक सर हैं, और क्लास नोट्स से मैंने पढ़ना शुरू किया, तो उससे उस किताब से मैंने पूरा अर्थमेटिक पढ़ा। अब उसका भी सोल्यूशन मैं यूट्यूब पर ढूंढ ढूंढ के पढ़ रहा हूँ, क्योंकि उनका जो एक्सप्लेनेशन है वो थोड़ा सा और एक वो उस समय शुरुआत थी, तो फिर मैंने वो चीज़ें समझा उसको किया। और मेरा सर ये मानना है ना सर कि कॉन्सेप्ट पे जितना ज़्यादा हम लोग काम करते हैं पहले कॉन्सेप्ट सीखो। और मेरा मैथ का यही मानना है सर कि मैथ में कोई क्वेश्चन है तो उसको स्टेप बाय स्टेप हमको पता होना चाहिए कि ये स्टेप आया कहाँ से, रट्टा मारने वाला आदत नहीं है। तो फिर मैंने पूरा का पूरा अरिथमेटिक वहाँ से मैंने कवर किया। और उसके बाद कुछ कुछ चैप्टर जैसे LCM SCF हो गया, मुझे प्रॉब्लम हो रही थी, जैसे टाइम एंड डिस्टेंस में प्रॉब्लम हो रही थी, तो यूट्यूब पे गए लिखे, तो कुछ वीडियो अभिनय सर का छोटा पार्ट देख लिया, कुछ वीडियो में कुछ पार्ट नहीं समझ में आ रहा था तो भूतेश सर का कुछ पार्ट देख लिया, तो ऐसे चलता था। मतलब आपने टॉपिक सर्च कर करके, हाँ, अब जैसे दस मिनट के अंतराल पे निकल रही है ना, अब ये हमको समझ में ही नहीं आता था, और भूतेश सर उसको एनिमेशन से बहुत अच्छे से समझाए थे तो वो समझ में आ गया, तो ऐसे मैंने सीखा हुआ है। राधा कंसेप्ट है ना कि मिलने के बाद ऐसे ये लोग जाते अपने डेस्टिनेशन पर, इसमें प्रॉब्लम हो रहा था तो अभिनय सर यहाँ से, अभिनय सर से सीख लिए ये चीज़। तो जो भी आपने यूट्यूब चैनल मैथ्स के लिए यूज़ किए हैं थोड़ा सा बच्चों को आप बता सकते हैं कि कौन कौन से चैनल्स आपने अपनी तैयारी में यूज़ किए मैथ्स के लिए? मैंने सर अभिनय सर का, उनसे मैंने अलजेब्रा और
ट्रिग्नोमेट्री मैंने सीखा हुआ है, एलसीएम एचसीएफ सीखा हुआ है, ठीक है, कुछ चीज़ें टाइम एंड डिस्टेंस, भूतेश सर से जो भी बेसिक में प्रॉब्लम होता था तो मैं भूतेश सर से देख लेता था उनका वो वीडियो। और उसके बाद जैसे डिसऑनेस्ट सेलर में मुझे दिक्कत हुआ तो मैंने डिसऑनेस्ट सेलर लिखा, देखा कि गगन सर का एक वीडियो है तो मैंने वो देख लिया। और ऐसे मतलब ऐसे मैंने करके पढ़ा हुआ है। जियोमेट्री और मेंसुरेशन मैंने लिखा तो पवन राव, मैंने फेसबुक पे पूछा, उसमें नहीं पता था व्हाट इज टेलीग्राम, फेसबुक पे जैसे एसएससी का कोई ग्रुप है, मैंने पूछा भाई जियोमेट्री के लिए बेस्ट टीचर बता दो। अच्छा। तो लिखा पवन राव, ठीक है, 3-4 कमेंट पवन राव का आया, पवन राव सर का। मैंने गया यूट्यूब पे, मैं गया देखा कि 25 और 30 को पाठ है, इसको जल्दी से खत्म करते हैं। फिर मैंने उसका नोट्स बनाया और फिर उसको बढ़िया से कॉन्सेप्ट पढ़ के और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो मतलब बहुत ही बढ़िया तरीके से आपने यूट्यूब का प्रॉपर इस्तेमाल किया है अपनी तैयारी में। और भी सब्जेक्ट्स की मैं बात करूंगा आपसे, इंग्लिश की तैयारी आपने कैसे करी, क्या तरीका था आपकी इंग्लिश? इंग्लिश मेरा सर 12th तक अच्छा था। सर ने एक बात बोले थे सर कि जिसका इंग्लिश अच्छा ना वो बाहर में वो कभी भी पैसा कमा सकता है क्योंकि उसके लिए जॉब है, तो थोड़ा सा मोटिवेशन भी मिलता था। और बाद में मैं इंग्लिश किताब से मैंने किया, नीतू सिंह वॉल्यूम 1 ग्रामर, हाँ बस उसी से मैंने रिविजन किया हुआ। ओके, और कोई कॉन्टेंट इंग्लिश में आपने यूज़ किया इसके अलावा? इंग्लिश में सर कंटेंट यही है, किरण पब्लिकेशन किताब से हम किए हुए हैं और बस वही है सर, बस प्रीवियस ईयर पे ही हम बेस्ड रहे हैं। मेरे को ये चीज़ नहीं है कि दूसरा मैं चीज़ बनाऊँ, प्रीवियस ईयर पे मैं यूट्यूब का इस्तेमाल किया आपने फॉर इंग्लिश? नहीं सर, नहीं इंग्लिश में आपने पढ़ाया भी है तो मेरे ख्याल से थोड़ा कम्फर्ट लेवल भी अच्छा, वो सब कुछ समझ में आ जाता। रीजनिंग के लिए क्या तैयारी करी आपने? रीजनिंग का मेरा ये मानना है ना सर कि जैसे कि एक होता है ना कि रीजनिंग के लिए मैं पेड कोर्स को, वो तो मैं मानता हूँ, जैसे सपोज कीजिए सर कि मेरा कैलेंडर में प्रॉब्लम है, यूट्यूब पे लिखे कैलेंडर, टीचर का वीडियो आ गया, मैंने वो वीडियो देख लिया, मैंने उसको रिवाइज कर लिया, प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस कर लिया, बस यही। और रीजनिंग हमको लगता है सबसे ईजी, क्योंकि इसलिए क्योंकि आप प्रीवियस ईयर केवल मॉक से वो सीखा जा सकता है। ऑलरेडी 4 सब्जेक्ट है सर, अब रीजनिंग के लिए भी हम लोग प्रेशर ले, मैथ के लिए भी, एक तो ऑलरेडी मैथ है, एक तो ऑलरेडी इंग्लिश है, रीजनिंग मॉक से अच्छा हो जाता है सर, मेरा ऐसा मानना है। बिल्कुल अब वहाँ पे ढूंढ ढूंढ के मैंने पढ़ा, कैलेंडर का अलग, क्लॉक का अलग, कुछ चीज़ें मैंने साहिल सर से पढ़ लिए, कुछ चीज़ें विपिन सर से कैलेंडर पढ़ लिया, ऐसा चला है मेरा। और जीएस के लिए? जीएस के लिए सर मेरा 3 सेक्शन हमको ये था कि आप ही लोग का जो वीडियो नहीं होता कि देखते हैं तो क्या किया, जैसे स्ट्रैटेजी वीडियो कुछ देख लेते हैं तो वहाँ से बहुत सारी आइडिया मिल जाते हैं। तो अब जैसे कि होता क्या था ना कि 3 सेक्शन को स्ट्रांग बना लो, ठीक है, जीके जीएस, अब हमको ये पता चला कि टॉपर लोग का भी कमजोर होता है तो थोड़ा हिम्मत मिलता है, यानी कि अगर आप 10 से 12 भी अगर जीके जीएस सही कर देते हो प्री के टाइम में मतलब, तो काफ़ी है। तो जीके के लिए मैंने स्टैटिक पढ़ लिया, पॉलिटी पढ़ लिया, और जैसे कुछ जैन धर्म बौद्ध धर्म के बारे में मैंने पढ़ लिया कुछ ये चीज़ें, और करेंट अफेयर। पढ़ा कहाँ से? सर सब यूट्यूब से सर, यूट्यूब सर्च कर। हाँ, बुक्स नहीं ली जीएस के लिए आपने? लूसेंट का पीछे से स्टैटिक अपना वो करते जाते थे, बाकी इधर उधर टेलीग्राम से जहाँ से जो पीडीएफ मिलता था उसको मैं पढ़ता था। तो अमृत, ये एसएससी सीजीएल में आपका कौन सा अटेम्प्ट था, पहला था या दूसरा था? सर ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था सर। ओके, तो पहले अटेम्प्ट का क्या रिजल्ट था? पहले अटेम्प्ट में सर जैसे डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का आया था मगर मैं नहीं गया, बिकॉज सारे दोस्त के अच्छे नंबर थे और मेरे नंबर काफ़ी डाउन थे तो मैंने स्किप कर दिया था वो। अच्छा, आपको लग गया था कि इसमें हो नहीं पाएगा? नहीं हो पाएगा। सेकंड अटेम्प्ट था ये, तो सेकंड अटेम्प्ट में पहले अटेम्प्ट की तुलना में आपने क्या बदलाव किया अपनी तैयारी में? सर जैसे कि सेकंड टाइम नहीं होता है कि जैसे एक एस्पिरेंट है थोड़ा दबाव बनता है, ग्रेजुएशन ये तो था माइंड में कि ग्रेजुएशन कंप्लीट होते ही जॉब ले लेना है, सीजीएल फर्स्ट अटेम्प्ट था मेरा, सारे दोस्त को मतलब ऑलरेडी उनको एक विश्वास था सर कि उनका जॉब हो जाएगा, लेकिन मेरे अंदर एक डर था अभी भी कि कैसे सीजीएल फर्स्ट अटेम्प्ट होता है क्या, एक नहीं होता है कि लोग उसको इतना ज़्यादा वो कर देते हैं, तो एक मन में डर बैठा हुआ था। सीजीएल प्री दिए थे, 163 नंबर आया, और सीजीएल मेंस में अपना तैयारी किए ना सर, तो हुआ क्या कि उस समय कोई वो ज़्यादा नहीं होता है कि गए, सब नॉलेज अच्छा खासा था, सब कुछ जानते थे, इनफैक्ट कि कोई पूछेगा तो उसको मैं बता भी दूंगा। सीजीएल के मेंस में बैठे मैथ में, और मैथ में मैंने 73 अटैम्प्ट करा, बाहर आए दोस्त से पूछे कितना अटैम्प्ट किया, तो बोला 97, कोई बोला 96, कोई बोला 93, देन आई वॉज रियली शॉक कि मैं कहाँ पर हूँ। स्पीड की वजह से मैं पूरा का पूरा मेरा मैथ गड़बड़ हो गया, फिर वही है कि इंग्लिश भी बिना मन से हम दिए, और पूरा का पूरा सीजीएल 19 बस केवल मैथ की वजह से ही मेरा खराब हुआ था, बिकॉज सामने दिख रहा है कि ये क्वेश्चन बनने वाला है बट स्टिल आई कुड नॉट डू दैट। और ये बहुत लोगों की प्रॉब्लम है, स्पीड नहीं बन पाती। यस सर। तो क्या किया आपने 2020 में फिर? फिर 2020 में प्री, अब हुआ क्या ना सर कि सीजीएल 19 के तो सारे दोस्त का सिलेक्शन हो गया। अच्छा, सारे दोस्त का सिलेक्शन। खतरनाक दोस्त है आपके? मतलब ये जो दूर के भी कुछ दोस्त हैं, जैसे बेस्ट फ्रेंड है एक, जैसे सौरभ सोनाली, वो लोग थे दूर के बेस्ट फ्रेंड थे और अभी भी हैं, ठीक है, और अपने क्लोजली फ्रेंड भी हैं जो अभिषेक, आलोक, ये सब नाम है, तो इन सबका सिलेक्शन हो गया, अच्छा अच्छा पोस्ट से सिलेक्शन हुआ,
और मैं इकलौता बच गया था। तो फाइनली मैं बैठा अपना जाके रिजल्ट वाले दिन, थोड़ा इन लोग के लिए तो खुश था मैं, बट अंदर से आप समझ रहे हैं ना थोड़ा सा अपने लिए, वो अपने लिए क्या होता है, मंदिर में बैठा अपना उदास है थोड़ा सा अपने लिए। बट एक होता है सर कि फेल होते हैं ना तो एंगर पालो कि इसका बदला हम लेंगे। फिर सीजीएल 2020 में मैं प्री के टाइम में बैठा, एग्जाम फियर अभी भी मुझे था, एग्जाम फोबिया जिसको बोलते हैं और मैथ फोबिया जिसको बोलते हैं, प्री के टाइम में बैठा मैं एग्जाम में, अपने आप को पूरा वो कर रहा हूँ कि नहीं डर नहीं रहे हैं, डर नहीं रहे हैं। प्री में बैठे ना सर, जैसे एग्जाम चालू हुआ ना 5 मिनट पहले, ये मेरा बहुत ज़्यादा तेज हो गया, हार्ट बीट बढ़ गई, क्योंकि सारे दोस्त सिलेक्ट हो गए हैं। अब ऑलरेडी एक होता है ना कि क्या होगा क्या होगा, और मैंने दिया पेपर, पेपर गड़बड़ चला गया। मैथ में पता चला कि उन्हें 19 ही अटैम्प्ट हो पाया हमसे। गुस्सा इस बात का था कि प्रैक्टिस किए थे, अभी थोड़ा सा और ज़्यादा चीज़ें रिवीजन में थी, बट कैलकुलेशन स्पीड की वजह से मैं बताऊंगा कि जैसे पेपर हमको ये बाहर आए, तो अब जैसे एग्जाम हॉल से बाहर आए ना, तो आँख में आंसू था कि प्री मेरा गड़बड़ चला गया। 2020 में उस टाइम सर मैं इतना इसलिए इंटरेक्ट कर पाता हूँ इन लोगों से कि इन लोग के साथ ऐसा मत हो सर, जो क्योंकि एग्जाम खराब जाता है ना, और जो उस वक्त फील आता है ना सर, दुनिया का सबसे खराब इंसान वाला फील आता है, ऐसा लगता है ना सर कि वो मेरे वो दुश्मन भी नहीं फील करे एग्जाम, बहुत लोगों का एग्जाम जब जिसका खराब जाता है और नॉलेज होता है फिर भी सर। तो ये चीज़ मैंने ऑब्जर्व किया, फिर कमी कहाँ पर है, टाइम हावी हो जाता है। आज भी बहुत सारे लोग सर मॉक देते हैं टाइम की वजह से, अपना पढ़ने में तेज है लोग, टाइम की वजह से और एक डर की वजह से करने की बात माहौल खराब हो जाता है सर। इस चीज़ों पर मैंने काम किया, 2000 पेपर खराब गया, मैथ में देखे कि 19 को बना है। उसके बाद आए घर पे, मेंस के लिए थोड़ा सा मोटिवेशन मिल रहा था, मतलब खुद को समझा रहे थे, दोस्त लोग भी थे अपने, बोले थे मेंस में अच्छा करो, इंग्लिश में तुम्हारा अच्छा। फिर मेंस के लिए हम समझ गए थे कि हमको सब कुछ आता है, नया नया चीज़ पढ़ने से आप ज़रूरी नहीं कि सिलेक्ट हो जाएंगे, ज़रूरी ये होता है ना सर कि आप एक ही चीज़ को पढ़े उसको पहले उस पर कमांड कर लो। मैं टॉप पेपर मैंने अभी तक सॉल्व नहीं किया हुआ है, मैंने क्या करा हुआ है सर कि जो पेपर है, जैसे सपोज कीजिए प्रीवियस ईयर है, प्रीवियस ईयर बेस्ड पे क्वेश्चन आ रहे हैं, मैंने प्रीवियस ईयर को ही मल्टीपल टाइम रिवाइज करा। मैंने कैलकुलेशन पे इतना जबरदस्त मेहनत करा कि अगर एग्जाम में मैं ये सोच रहा था कि अगर मेंस के पेपर में मैं पैनिक भी हो गया ना, तो मेरा कैलकुलेशन हमको बचा लेगा। कैलकुलेशन की प्रैक्टिस कैसे करी आपने, और जैसे सवाल लगाने के जो तरीके होते हैं, जैसे स्पीड दो वजह से कम होती है, एक आप एक्चुअल कैलकुलेशन स्लो कर रहे हैं और एक आपके सवाल लगाने का तरीका ही बहुत लंबा है, अप्रोच करेक्शन, दोनों पे कैसे काम किया आपने? मेरा सवाल लगाने का जो तरीका, हमको शॉर्ट वर्ड से एलर्जी है सर, समझ में नहीं आता है, मेरा सवाल लगाने का तरीका थोड़ा लंबा है, बेसिक से चलते हैं कोई भी चीज़ जो जितना जानते हैं। और जैसे कि पहले क्या होता था, मैं ये गड़बड़ देखता था कि बच्चा सब या फिर हम लोग बना रहे हैं, फिर अरे आंसर क्यों नहीं आ रहा है, ये चीज़ होता था, आंसर क्यों नहीं आ रहा है, होता है। और फिर मैंने कैलकुलेशन में इतनी शुद्धता लाई, एप्लीकेशन जाके ढूंढे कि बेस्ट कैलकुलेशन ऐप, कैलकुलेशन ऐप, मैथ्स वर्कआउट मिला हमको, कसम खा लिए ना सर कि डेली का डेली इस पे हम 20 मिनट इस पर हम टाइम देंगे। वो करते करते मल्टीप्लिकेशन करते 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 मल्टीप्लिकेशन में होता क्या ना कि इफ़ अगर 3x3 का मल्टीप्लिकेशन भी कर रहे हैं सर, तो उसमें आप एडिशन भी कर रहे हैं, उसमें आप सब्सट्रैक्शन भी कर रहे हैं। बिल्कुल, जैसे 395 इंटू में 432, तो 39 अगर 5 है तो 400 माइनस में 5 करके सब्सट्रैक्शन भी हो जा रहा था, कहीं कहीं डिवीजन भी काम आ जा रहा था। तो ये चीज़ें मैंने कंसिस्टेंट होकर के करा और यहाँ से मेरा हो गया कैलकुलेशन इम्प्रूव। अब ये था कि माइंड में अगर एग्जाम में बैठे सर और सामने क्वेश्चन दिख रहा है, केवल समझ जाएंगे अगर इस क्वेश्चन को, तो कैलकुलेशन में हमको धोखा नहीं देगा। और 20 के मेंस में मेरे साथ हुआ यही, जितना मॉक में मेरे नंबर नहीं आते थे उससे ज्यादा नंबर वहां पर मैं लेकर के आया, 94 अटेम्प्ट। उस समय भी यही लग रहा था कि हमको थोड़ा सा ये भी था कि थोड़ा पेपर का लेवल बढ़ाए, क्योंकि प्री में गंदा हो गया सर, तो ऐसा लग रहा था कि पेपर का लेवल भगवान जी थोड़ा सा बनाइए उसको, ताकि थोड़ा लगे, क्योंकि कैलकुलेशन भी है। गए तो फिर देख रहे अरे ये तो पूरा प्रीवियस ईयर जैसा क्वेश्चन पूछ दिया, ये तो कुछ पेपर फिर लग रहा है आसान पूछ दिया। तो माइंड में एक सबकॉन्शियस माइंड बोल दिया था कि पेपर आसान है, थोड़ा बहुत पैनिक भी हो रहे थे सर, बट स्टिल एक होता है ना कि लास्ट तो अच्छा करके लास्ट में देख रहे हैं कि 20 मिनट बचा, वो 80 क्वेश्चन बना लिए हैं, लास्ट के 20 मिनट में 14 क्वेश्चन बनाए, सुपर मॉक देते थे, लाइक नहीं होता कि 20 मिनट 25 क्वेश्चन का अपने अपने मॉक पे डाला हुआ है सारा चीज, तो वो चीज एक आदत था 20 मिनट 25 क्वेश्चन। तो फिर 94 अटैम्प्ट हुआ हमसे, 94 अटैम्प्ट किए, फिर अब लगा कि बाहर जाएंगे तो दोस्त लोग बोलेगा कि हम 97 किए हुए हैं, 98 किए हुए हैं। बाहर आए तो जो दोस्त 93 किया हुआ था पिछले साल, इस टाइम वो 86 किया हुआ था, जो दोस्त पिछले साल 90 अटैम्प्ट की थी वो इस टाइम 83 अटैम्प्ट की थी। तो थोड़ा लग गया कि हाँ, एग्जाम हॉल में सबसे पूछे भैया आपका कितना अटैम्प्ट हुआ, मेरा आदत है आपका कितना अटैम्प्ट हुआ, आपका कितना अटैम्प्ट हुआ, तो मेरे बराबर कोई नहीं था, तो मोटिवेशन वहाँ से मिला। वेरी गुड। मार्क्स कितने आए आपके इस बार वाले एग्जाम में 2020 में?
इस बार वाले में सर मेंस में 180.5 था, क्योंकि मेरे को मैथ से ही बदला लेना था एक्चुअली। इंग्लिश में मैं ज्यादा, हाँ इंग्लिश में मैं ज्यादा काम अभी भी नहीं करा हुआ था, इंग्लिश में फिर कम हो गया था 162, बट मैथ से हमको वो था। प्री में कितने नंबर थे आपके? प्री में 145 थे सर। ओके, और टोटल आपका स्कोर टीयर 3 मिला के कितना बना? 534.5। वेरी गुड। अब मैं आता हूँ थोड़ा मॉक स्ट्रैटेजी के बारे में हमें जाना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं पढ़ लेते हैं, पढ़ हर कोई लेता है, सब सिलेबस खत्म करते हैं। मुझे, मैं बार बार वही बोलता हूँ कि जो टॉपर है और जो टॉपर नहीं है, जो टॉपर नहीं है वो भी सिलेबस तो खत्म करता ही है। तो सिलेबस खत्म करना मीट्रिक नहीं कि तुम अच्छा करके आओगे, ठीक है, वहाँ एग्जाम में एग्जीक्यूट करना है ना। जैसे आपने बोला कि इस बार आपने दिया तो 94 करके आए, तो ये एग्जीक्यूशन मॉक से आता है। मॉक जितना बढ़िया आप करोगे, आपकी मॉक स्ट्रैटेजी क्या थी, किस तरह से आप मॉक अटेम्प्ट करते थे और क्या इंपॉर्टेंस मॉक की आपके हिसाब से? सर मॉक में मैंने दो चीज़ लिया हुआ था, एक सुपर मॉक और एक टेस्ट बुक। इसके अलावा मैं किसी का भी पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लिया हुआ था, ठीक है। और मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि सुपर मॉक पे मैं हमेशा, एक भी मेरा लाइव मॉक नहीं था जो मैंने मिस करा हुआ हो, उस पर मैं लाइव मॉक देता था। और मेरे साथ ये था ना सर, टेस्ट बुक का मैं, मुझे पता भी नहीं कि उस पर कब लाइव मॉक आता है, उसका जो था कुछ फुल मॉक होता है ना। टेस्ट बुक मैंने बेसिकली प्रीवियस ईयर के लिए रखा था, ठीक है, मॉक मैंने काफ़ी कम लगाया हुआ है। आपका जैसे लाइव मॉक है सैटरडे संडे को आ जाता था, ठीक है, मेरे माइंड में फिक्स होता था कि जैसे आज हम अगर संडे को मॉक दिए हैं ना सुपर मॉक पर, तो एक सप्ताह तक अपना लेवल इतना बढ़ा लेंगे कि फिर अगर अगला मॉक देंगे तो इनके मॉक में अच्छा करना है। ये चीज़ मेरे साथ था, मॉक दिए उसके एनालिसिस पर काम। सपोज कीजिए कि मॉक दिए हम, मेरा आया 150 नंबर, पहले शुरू में क्या होता था कि नर्वस हो जाते थे कि मॉक में कम नंबर आया, प्रेशर आ जाता था वो। बट दोस्त लोग मेरा समझाया कि देखो ये मॉक है, तुम अगर कम नंबर ला रहे हो ना तो जितना नंबर नहीं आया उस पर काम करो कि क्यों नहीं आया। मेरे साथ ये चीज़ मैंने, और पहले क्या करते थे कि एनालिसिस नहीं करते थे, मॉक दिए हैं थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर से देख लिए हैं और छोड़ दिए। फिर नेक्स्ट आपके लाइव मॉक में सपोज कीजिए कि फिर उस टाइप का क्वेश्चन आ गया, तो दो चीज़ होता है, या तो नहीं बनेगा या तो ये चीज़ टाइम ज़्यादा लग जाएगा अगर आपने वो चीज़ रिवाइज नहीं किया है तो। मेरे साथ हुआ यहीं, फिर क्वेश्चन मैंने नोट करना शुरू किया। ओके, सपोज कीजिए कि मुझे अगर मिला सुपर मॉक पे कोई ऐसा क्वेश्चन कि हाँ इस क्वेश्चन को नोट कर लो, तो जैसे ही मैं नोट करने लगा ना जितना भी मॉक देता था प्रीवियस ईयर बेस्ड, तो उसका अलग लेवल का फायदा। अब जैसे माइंड में सेट रहता था कि अगले सैटरडे को मैं जब दूंगा तो ये जितना भी क्वेश्चन मैंने मॉक का नोट किया हुआ है उसको पूरा का पूरा रिविजन कर लूंगा। तो यहाँ से वो चीज़ हुआ, और कैलकुलेशन भी उस टाइम पे मेरा कंटिन्यू था, यहाँ से ये फायदा हुआ सर। ओके, मॉक के बारे में आप बच्चों को क्या रिकमेंड करोगे? जैसे एक होता है ना परसेंटाइल खराब आ गई, कैसे वो इस चीज़ को इवेल्युएट करें और हैंडल करें? मुझे ऐसा याद है ना कि मैंने एक आपका वीडियो शायद देखा हुआ था, और परसेंटाइल के बारे में शायद आपसे मैंने जाना हुआ है, आपने किसी वीडियो में परसेंटाइल के बारे में बताया था कि परसेंटाइल देखो, और मतलब शुरू से और भी कुछ लोग बोले कि परसेंटाइल देखो, नहीं तो पहले तो नंबर देखते थे लोग। अब सपोज कीजिए कि 200 का नंबर है का वो है, अब टॉपर एक आया है 120 नंबर और आपका आया 80 नंबर, तो उसमें परेशान नहीं होना है, चेक योर परसेंटाइल। क्योंकि परसेंटाइल डिफाइन करता है, हमको लगता है ना सर कि जैसे कि आपका 95 परसेंटाइल आया तो आप टॉप 5% बंदे में, ऐसा होता है, मैं ऐसा मानता हूँ। बिल्कुल, ये सही है। जितने लोगों ने मॉक दिया है, हाँ, परसेंटाइल का मतलब यही होता है कि अगर आपकी लेट से 99 परसेंटाइल है, हाँ, मतलब आप उस पर्टिकुलर मॉक टेस्ट में 99% लोगों से आगे हो। हाँ, यही हमको तो थोड़ा सा वो लगता था, तो दिया कभी 80 परसेंटाइल कभी 87 परसेंटाइल। क्वेश्चन जब स्किप करके बनाते थे ना तो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बना पाते थे, और क्वेश्चन को जहाँ पे ईगो पे लेते थे तो पता चलता था ओवरऑल वो हो गया। एक चीज़ मैंने एक्सपीरियंस करा हुआ है सर कि होता क्या ना कि जब आप स्किप करके क्वेश्चन बनाते हैं ना तो सारे आसान क्वेश्चन जल्दी बन जाते हैं फर्स्ट राउंड में। जैसे सपोज कीजिए कि 60-70 क्वेश्चन बन गया तो सेकंड राउंड में थोड़ा प्रेशर रिलीज हो जाता है, उस समय थोड़ा टफ टफ क्वेश्चन भी बन जाता है। तो मेरा ये मानना है कि अगर आपका कोई भी आप मॉक दे रहे हो तो स्किपिंग गार्ड जरूर यूज करो। इसके बारे में थोड़ा बताओगे स्किपिंग कैसे करनी चाहिए? मैं जैसे कि पहली बात कि सर मॉक देते समय ना कि माइंडसेट एकदम हेल्दी होना चाहिए आपका। पहले ही आप डरे हुए हो तो ये गड़बड़ होगा, फिर डरो मत। नंबर कम आएगा तो उतना सपोज करो कि उतना तुम लकी हो कि तुमको उतना सीखने को मिला। क्वेश्चन बैठता था तो अमृत दो, क्वेश्चन कोई वो पे नहीं लेना है, ठीक है, कंटिन्यू रहना है, क्वेश्चन पढ़ो, लगे कि बन जाए उसी वक्त बनाओ तुम। ये मैसेज आप खुद को देते थे? ये मैसेज खुद को देते थे, अमृत कम ऑन ईजी है, अमृत पढ़ो क्वेश्चन को ध्यान से, क्वेश्चन ध्यान से पढ़े, लगा कि अमृत इसको लास्ट में देखा जाएगा, टैग कर दो, मार्क फॉर रिव्यू कर दो, फिर आगे चले। ऐसे तो ऐसे क्या करते थे कि एक घंटा में वो सारा क्वेश्चन देख लेते थे ना जो जो ईजी होता था, मतलब जो जो बन जाने वाला होता था कि फिक्स होता था, और बाकी के लास्ट एक घंटा में अपना जो भी टफ क्वेश्चन है वो ऑटोमेटिक बनने लग जाता है, कॉन्फिडेंस आ जाता है फ्लो की वजह से। एक पॉइंट ऐड करूंगा, आपने जो बात बोली यहाँ पर, देखो एक इनकी पर्सनालिटी जो है, जब ये मॉक दे रहे हैं तो कहते हैं ना एक कोच इनके साथ है, इनका खुद का सबकॉन्शियस या कह लो इन्होंने क्रिएट किया हुआ जो खुद को मैसेज दे रहा है, और ये काम भी करता है ना।
कि इंसान के माइंड में ये पावर है कि वो मल्टीपल स्पीकर्स क्रिएट कर सकता है, खुद को आप ऑब्जर्व कर सकते हो। तो एक एक सेल्फ एसर्शन के साथ अंदर बोल बोल के, है ना, कि अमृत ऐसे करना है वैसे करना है। ये बहुत सही चीज़ आपने बताई कि वो एक मेंटरशिप भी चल रही है, एक कोच है जिसका एक एक एजेंडा है कि भाई अच्छा परफॉर्मेंस करवाना है तो अब ये नहीं करना है, अब ये नहीं करना। ये बहुत बहुत बढ़िया चीज़ लगी मुझे आपकी। एक सवाल मेरा यहाँ पर ये भी, कई बच्चे मॉक देने से डरते हैं, उनको क्या बोलोगे आप? डर सबको लगता है, हम भी जब अपने टाइम पे मॉक दे रहे थे तो एक डर होता है सर, बट यार आपको जॉब लेना है, यू विल हैव टू डू दैट। आप दो नंबर अगर कम भी आ रहा है तो कोई बात नहीं, नंबर कम आ रहा है तो आप खुश हो जाओ, उसको और अच्छे तगड़े तरीके से रिवाइज करो। क्वेश्चन जिस दिन ये लोग नोट डाउन करना शुरू कर देंगे ना सर मैथ में, और उसको रिवीजन करना ये शुरू कर देंगे, तो मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ कि नेक्स्ट टाइम जब जब वो क्वेश्चन आएगा ना, वो इजिली बहुत कम समय में बना लेंगे। हम लोग की गलती यही होती है कि मॉक एनालिसिस नहीं करते हैं, ज्यादा मॉक लगाने से नंबर नहीं बढ़ते हैं, मॉक को बढ़िया से एनालिसिस करने से नंबर बढ़ते हैं। ये चीज मेरे ऑब्जर्वेशन से मैंने पता करा। मॉक में खराब नंबर आता था तो मैं सोचता था कि आज दो घंटे का मॉक है, एक घंटे का मॉक है, मेरे साथ क्या क्या आज कमी रहा। तो अपने आप अंदर से जो जवाब आता है ना वो रियल होता है। यही चीज सर। अच्छा अमृत, एक सवाल और भी कि अब जैसे पैटर्न बदल गया है, ठीक है, सो अब जैसे मैथ्स हैवी नहीं रह गया पेपर, अब मेंस में भी जीएस भी आ गया है, रीजनिंग भी ऐड हो गया, आप इस नए पैटर्न को कैसे देखते हैं? सर प्री तो है, प्री में तो कुछ नया पैटर्न नहीं है। मैं कह रहा हूँ सर, अगर मैं एक घंटे का टाइम है आपके सामने है, मैथ का कितना 30 क्वेश्चन है और रीजनिंग का 30 क्वेश्चन, एक घंटा है, ठीक है, आप अपना स्पीड तो बढ़ाओ ही बढ़ाओ, ठीक है। प्रीवियस ईयर अभी तो किसी को नहीं पता कि पेपर का लेवल क्या होने वाला है, तो बेहतर है कि प्रीवियस ईयर पे अच्छे से कमांड कर लो। पेपर टफ आएगा तो सबके लिए आएगा, क्योंकि कट ऑफ हो सकता है कि उतना ज्यादा भी नहीं जाए, टफ सबके लिए नया है, ठीक है। विश्वास रखो अपने आप पर और प्रैक्टिस करो। रीजनिंग में अगर मान लीजिए रीजनिंग है, रीजनिंग मेरे जैसे इंसान क्या करेगा ना, कि हमको नहीं पता है किस लेवल का पूछेगा रीजनिंग, बट जितना एसएससी पूछ चुका हूँ सारे का पैटर्न मैं ऑब्जर्व करूंगा कि किस किस पैटर्न पे ये जा सकता है। नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, क्या क्या पैटर्न हो सकता है, लाइक क्यूब से भी जा सकता है, स्क्वायर भी जा सकता है, मतलब होता है ना कि जोड़ घटाओ गुणा भागा, ये चार चीज़ होना चाहिए, क्यूब प्लस में वन, ये सारी चीज़ पैटर्न देखो, ऑब्जर्व करो, प्रैक्टिस यानी कि करना होगा सर। जहाँ तक रही बात इंग्लिश की, तो आप ही सोचिए ना कि एक घंटे में, ठीक है, 45 क्वेश्चन इंग्लिश का है, 25 क्वेश्चन जीके जीएस का है, राइट, तो 25 क्वेश्चन तो 5 मिनट में ये लोग निपटा देगा, 10 मिनट में। इंग्लिश के लिए आपको कितना दे रहा है, 50 मिनट, 10 मिनट अगर जीके में दे रहा है तो, और 45 क्वेश्चन है, तो अब आप ये सोचिए कि रीडिंग सेक्शन का यहाँ पे कितना बड़ा रोल है। बहुत बहुत बिल्कुल, क्योंकि एसएससी है, चालाक है, पिछली पैटर्न पे अगर देखा जाए तो 2 घंटे में 120 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन 120 मिनट में, और इस बार देखिए कि 45 मिनट 50 क्वेश्चन, तो थोड़ा सा तो लेवल आपको रखना पड़ेगा। उसके लिए आपको रीडिंग स्किल बेहतर करना पड़ेगा, रीडिंग सेक्शन आप छोड़ नहीं सकते हैं, कॉम्प्रिहेंशन आप छोड़ नहीं सकते, आप क्लोज टेस्ट नहीं छोड़ सकते हैं, डेली आपको रीड करना चाहिए, मेरे को ऐसा लगता है। नहीं, ये सही भी बोल रहे हो आप, राइट, ये क्लियर, अगर हम उसके टाइम्स को देखेंगे, कितना टाइम दिया है उन्होंने, उस हिसाब से जो आपका ऑब्जर्वेशन है बिल्कुल बिल्कुल नीट एंड करेक्ट है। एक चीज़ अमृत मुझे और पूछनी है यहाँ पर, कि थोड़ा सा जो सेल्फ स्टडी है इसके बारे में थोड़ा और डीप डाइव करना चाहता हूँ। आपको लगता है कि सेल्फ स्टडी से एग्जाम को क्रैक किया जा सकता है? आपने किया तो ऑब्वियसली आपको लगता होगा, इसमें कोई दोराई नहीं है, बट चैलेंजेस क्या हैं सेल्फ स्टडी के? क्योंकि यूट्यूब अपने आप में एक बहुत टाइम वेस्ट एक्टिविटी है बच्चों के लिए, अगर वो आते हैं तो करना कुछ है, कर कुछ और जाते हैं। क्या चीज़ें ध्यान रखे एक एस्पिरेंट कि वो यूट्यूब को अपना प्राइम सोर्स बना ले तैयारी का और एग्ज़ाम निकाल ले? सर आज के डेट में ना सर यूट्यूब पे काफ़ी ज़्यादा सोर्सेज है, यू विल हैव टू बी कॉशियस। आप क्या पढ़ रहे हो क्या नहीं पढ़ रहे हो उसको अवेयर रहना पड़ेगा। कितने एस्पिरेंट को देखते हैं ना कि सेल्फ स्टडी से तो ऑब्वियसली पॉसिबल है, मैं तो आज भी मानता हूँ, एक बार नहीं मैं वो मतलब आसान है, जो कर लिया उसको पता होता है। एक विश्वास का होना बहुत ज़रूरी है। अगर YouTube को आप उस नज़रिए से, अगर ये लोग कोई भी अगर ऑडियंस देख रही है सर, तो वो अगर समझदार है, उसको चूज करना आता है और खुद पर विश्वास है कि मैं यहाँ से पढ़ूंगा तो काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। हमको लगता है ना सर कि बिगनर में ये प्रॉब्लम है ना कि ये लोग, इनको लगता है कि ये चीज़ टाइप है, कि टाइप इतना रट लो उसी टाइप में क्वेश्चन आएगा, फिर बोलेंगे ना कि सर कंसेप्ट तो पढ़ लिए लेकिन क्वेश्चन बन ही नहीं रहा है। मेरा ये कहना है कि मैथ में कुछ भी पढ़ रहे हो तो उसके गहराई में जाओ, एक क्वेश्चन अगर तुम बना रहे हो तो वो कैसे चल रहा है, वो कैसे काम कर रहा है, वो जानो। मेरा ये मानना है, उसके बाद आप यूट्यूब क्या कहीं से ही पढ़ोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपको चलाना ये है। आप ये डाउट मत रहो कि टाइम एंड वर्क का 10 गुना का वीडियो है, पेड कोर्स पे तो यार भाई साहब 30 गुना वीडियो है तो वो सफल हो जाएगा, यहाँ पे हमको कुछ सीख, नहीं, आप वो 10 ही वीडियो से इतना कुछ सीख सकते हो ना, और प्रीवियस ईयर अगर प्रैक्टिस करोगे तो काफ़ी है। तो कॉशियस रहना पड़ेगा यूट्यूब पे सर। और हमको ये लगता है कि जिसको जॉब लेना है ना सर, देश के किसी भी कोने से है ना सर, अगर खुद पे इनको भरोसा है ना तो ये जॉब ले लेंगे, एंड दिस इज द रीज़न व्हाई आई एम हियर इन फ्रंट ऑफ यू। ये मेरा कॉन्फिडेंस है, ये मेरा आत्मविश्वास है। बिल्कुल, एक होता है कि मन में मजबूती अगर है और एक
क्लियर आपको पता है कि आपका गोल क्या है, तो आप उसके हिसाब से अपने आप को अलाइन कर ही लोगे। ठीक है, एक सवाल अमृत और भी है मेरा कि तैयारी के दौरान जैसे बहुत सारा जो डिस्ट्रैक्शन है, इवन यूट्यूब के अलावा भी है, रिश्तेदार ताने मार रहे हैं, दोस्त में भी दोस्तों का सिलेक्शन हो रहा है, बच्चा बड़ा प्रेशर महसूस करता है, स्पेशली गांव वाला जो बच्चा है यूट्यूब की दुनिया पर जब आता है तो वो देखता है यार 20 साल की उम्र में करोड़पति बन रहे हैं लोग, यूट्यूब पे ऐसे ऐसे बैनर्स और थंबनेल दिखते हैं कि इन्होंने कंपनी खड़ी कर दी। तो आज का जो युवा है वो बड़ा फ्रस्ट्रेटेड और डिप्रेस महसूस करता है, क्या मैसेज है उनके लिए आपका कि वो कैसे संभालें अपने आप को? यार इन्हीं लोग के लिए तो आए हैं सर, मतलब आज आने का यहाँ पे मकसद भी है ना सर कि ये लोग के लिए सर, हम टैलेंट को ऐसे नहीं मरने देना चाहते हैं सर, सब लड़के के अंदर इतना पोटेंशियल है ना सर, क्या बताएं। और जहाँ तक रही बात रिश्तेदारों की, तो मैंने वो भी फेस किया हुआ, MTS में मेरा रिजल्ट 0.3 नंबर से रुक गया था और रिश्तेदार में हो गया था। अब इतना ज़्यादा हमको तो सहानुभूति चाहिए ही नहीं लाइफ में, मम्मी को देख रहे हेलो इनका हो गया, हेलो उनका हो गया, अब दिन भर यही चीज़ चल रहा, हीरो मतलब बना के रख दिए लोग जिसका हुआ था। मेरे साथ ये बहुत बुरा कंडीशन था, फिर पेरेंट थोड़ा सपोर्टिव रहे, जिद था कि अरे कोई बात नहीं फेल हो गया, थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि पॉइंट नंबर से छटने का मतलब हमको उस टाइम पे पता चला कि 0.3 नंबर से, भाई साहब फिर कोई बात नहीं, फिर मैं अपना ये किया। और हम तो कह रहे हैं ना कि तुम लोग यार निगेटिव लोगों को साइड में रख के चलो, और याद रखिएगा कि आपको वही लोग पीछे खींचेंगे ना जो चीज़ वो खुद अचीव नहीं किए हुए हैं। ऑब्वियसली आप सक्सेसफुल लोगों से बात करो, आप आके रैमो सर से बात करो ना, हम लोग जैसे लोग कभी नहीं बोलेंगे कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा, अरे मेहनत करो सब कुछ हो जाएगा भाई, मेहनत करो और विश्वास रखो खुद पे। और ये चार लोग अब जैसे कि मेरे ही रिलेटिव कुछ नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, वो नहीं करेगा, आज के डेट में सब पलट गए कहाँ हो अमृत, ये वो आ जाना, तो नॉर्मल है सर, ये नॉर्मल है, सबको फेस करना पड़ता है, आई थिंक बिल्कुल। एक चीज मेरा और मानना है ना कि तुम अपना जो नेचर है ना वो ऐसा रखो यार, जेलसी मत फील करो, चलो मानते हैं कि वो नेचुरल है, फिर भी अगर कोई कामयाब हो रहा है ना, दोस्त का सिलेक्शन में मैं खुश था, मेरे लिए दुख था लेकिन दोस्त के सिलेक्शन पे मुझे खुशी थी, बहुत ज्यादा खुशी थी, एक हिम्मत है वो लोग मेरा राइट। वो नाराजगी शायद आई थिंक वही है कि खुद कहते ना कि आप इंट्रोस्पेक्ट करो कहां तुम्हारे अंदर कमी रहेगी और वो क्यों सेलेक्ट हो गया, ना कि आप उससे जेलसी महसूस करो, है ना। एक साल अगर ये लोग दे देंगे ना डेडिकेटेडली, एक साल सोशल मीडिया से यार नोटिफिकेशन ऑफ कर दो ना, बिल्कुल बिल्कुल, टेलीग्राम है ये मेरे मोबाइल में सबका नोटिफिकेशन ऑफ रहता था, अभी तो इधर भी कुछ कुछ ऑन भी किया, यूट्यूब का भी नोटिफिकेशन ऑफ था मेरा, तो नोटिफिकेशन ऑफ करो, तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा है तो ब्रेक लगा लो। ये बिल्कुल सही बात है। और एक चीज मैं कई बार ना रात में जैसे होता है ना, पिछले साल मैंने एक्सपेरिमेंट किया, ट्विटर पे 3 बजे मैंने ट्वीट किया कि कौन कौन जगह है, तो जितने भी लोगों ने कमेंट किया मैंने वापस जाके लिखा कि जगह हो तो पढ़ो, ये ट्विटर पे क्या कर रहे हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जैसे लोग क्या होता है, लोग जैसे टाइम वेस्ट होगा तो वो ब्लेम दूसरों को करते हैं, ठीक है, कि आपकी वजह से मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। तो मैं कहता हूँ विदाउट योर परमिशन नो बडी कैन वेस्ट योर टाइम, आप जाते हो, आप टाइम वेस्ट करते हो, आप ओनरशिप नहीं लोगे तो कैसे इतना बड़ा कंपटीशन आप क्रैक करोगे। बिल्कुल अमृत, एक सवाल और भी है कि जैसे आप का थोड़ा सा जो जर्नी है यूट्यूब वाली जर्नी, राइट, ये कब आपने सोचा था कि आपको एक आगे चल के यूट्यूब पे वीडियोस बनाने और लोगों को गाइड करना है? और सबसे बड़ा चैलेंज होता है ना टू शो अप, आई थिंक जब आप यूट्यूब पे आने के पहले वो जो दुनिया है ना उससे डर भी लगता है कि यार जाएंगे वीडियो बनाएंगे कोई देखेगा भी कि नहीं देखेगा, ठीक है, बहुत चैलेंजिंग होता है। आई थिंक मैंने जब पहला वीडियो बनाया तो मैं खुद ही उसको देखता था, मुझे लगता था इससे मेरे खुद के व्यूज़ बढ़ेंगे, तो ये होता था कि चलो 100 बार देखेंगे 100 व्यूज़ हमारे आ जाएंगे। तो एक क्रिएटर के अंदर भी बड़ा चैलेंज होता है कि वो कुछ क्रिएट करेगा, लोग देखेंगे नहीं देखेंगे, वो एक फियर होता है अंदर जाके। सक्सेस मिलती है बट बहुत परसिस्टेंस चाहिए और बहुत लोग नहीं भी कर पाते हैं, ये भी एक चीज़ है। आपके दिमाग में यूट्यूब पे कंटेंट डालने का कब दिमाग में आया कि आप यूट्यूब पे कंटेंट डालोगे? मैं यही बोलूँगा कि अगर आप दो कामों को एक साथ मैनेज कर सकते हैं, अगर आप यूट्यूब भी कर सकते हो और ये भी प्रिपरेशन भी कर सकते हो, तो आप अभी असली कीजिए। अब मेरे साथ क्या था कि मैं थोड़ा सेल्फ फोकस ज़्यादा हूँ, अब यूट्यूब पे फोकस कर रहा हूँ तो यूट्यूब पे ज़्यादा ध्यान जाएगा मेरा, इसीलिए मैंने आफ्टर सिलेक्शन में यूट्यूब पे आया। बीच बीच में कभी एक आध वीडियो में ऐसे ही फन वन बनाता था फनी टाइप का। और मैं ये बोलूँगा ना कि मेरा जो YouTube पे आने का ये मकसद है कि मैं सामने एक इंसान में मैं देख रहा हूँ कि टैलेंट है। मैंने कितना अपने दोस्त को फोर्स किया कि आप लोग YouTube पे आओ ना, YouTube पे लोगों को सिखाओ, कमी है। तो वो लोग थोड़ा सा वही है कि कैमरा के सामने वो लोग नहीं खुल पाते हैं, और कुछ लोग कैमरा के सामने खुलते भी तो काफ़ी ज़्यादा फॉर्मल, वहीं डर होता है कि लोग क्या सोचेंगे। अरे लोगों का काम है सोचना, उनको सोचने दो। यहाँ पे अगर हम आकर के रैमो सर के सामने बैठे हैं और हम सोचें कि लोग क्या सोचेंगे, नर्वस हो जाते, डैड उसका कोई मीनिंग ही नहीं बनता है सर लाइफ में। क्योंकि देखिए आप अगर सही काम कर रहे हैं ना तो लोग कुछ भी बोले, दैट डज नॉट मैटर। आप यहाँ से सही है ना, आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट ना कि आपका मैसेज ज्यादा लोगों तक पहुंचे। yes. और उसके लिए जो स्टाइल सूट करती है वो आई थिंक यू शुड यूज इट, देयर इज नो प्रॉब्लम। और आप नेचुरल हो, मुझे लगता है आपकी जो स्टाइल हो नेचुरल है। चैलेंजेस क्या रहे आपकी यूट्यूब जर्नी में, क्या कैसे शुरू किया आपने?
मेरे को व्यूज वाला वो इशू नहीं था, क्योंकि अगर कोई नहीं देख रहा है ना तो मैं अपने आप को देख के इतना ज़्यादा खुश हो जाता हूँ ना, मतलब एक अलग लेवल में फील करता हूँ। और ये सामने मतलब भाई लोग ही तो है जो देख रहा है, वो भी एक इंसान है, उसका भी एक दिल है, तो जाहिर सी बात है कि उनसे सच बोलो। और मेरे साथ ये था, सर आज भी हम इन लोग के सामने क्यों इतना ये रिलैक्स फील करते, ताकि ये लोग सीखे। क्योंकि हमारे टाइम में क्या था कि मैं कुछ सीरियस लोगों से बहुत ज़्यादा वो मुझे हेट है, जो ज़रूरत से ज़्यादा सीरियस है। भाई लाइफ को बैलेंस करके चलो, ठीक है, डरे हुए काफ़ी ज़्यादा और डर इन्हीं लोगों की वजह से आया है। तो ये चीज़ हम चाहते हैं ना कि भाई साहब आप खुश रहो लाइफ में, आप अपना काम ईमानदारी से करो, ठीक है। और जहाँ तक रही बात नर्वसनेस डर वर की, तो इफ़ यू आर डूइंग ग्रेट, आदत भी हो जाएगा, अगर किसी को आदत नहीं है तो आओ तो सही। ईमानदार रहो। एक बात हम आपको बता रहे हैं सर कि जो आप यहाँ से हैं वो आप दिल दिमाग अगर जो अंदर से वो बाहर से हैं, दुनिया आपको समझ जाएगी। ये चीज़ है। तो YouTube की एडिटिंग वगैरह कैसे सीखी आपने, कि वीडियो कैसे एडिट करना है, ये सब कहाँ सीखा? एडिटिंग सर ये सब ये नहीं होता है, छेड़छाड़ हम बहुत ज़्यादा करते हैं मोबाइल पे, शुरू से ही बचपन से मेरा आदत है। अब कोई चीज़ है जैसे ये घड़ी है, अब बचपन में तो अब मेरे को ये घड़ी से ज़्यादा इंटरेस्ट इसको खोलने में आता था कि इसके अंदर क्या है। एडिटिंग में है कि कोई ऑप्शन है तो ये ऑप्शन क्या है, ये ऑप्शन क्या है, तो ऐसे ही कर करके सर हम मोबाइल से आपने सीखा चीज़ों को, राइट। एक वीडियो को बनाने में कितना टाइम लगता है आपको, मतलब क्या कॉन्सेप्चुलाइज करते हो आप, पहले कुछ स्क्रिप्ट लिखते हो कि क्या बोलूंगा मैं, कुछ ऐसा प्लानिंग वगैरह? क्योंकि बच्चों को क्या लगता है, मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपको लगता है ना कि वीडियो आया बनाए हो गया ऐसे, बट एक जो प्रॉपर स्ट्रैटेजी वीडियोस होते हैं कि जैसे इनको आपको गाइड करना है, तो ये भी होता है कि स्टूडेंट का टाइम खराब ना हो, ठीक है। तो क्या आप कंटेंट की प्लानिंग वगैरह करते हो कुछ, कि हम बनाएंगे फिर कैसे करते हो, आप थोड़ा बताओगे? जैसे सपोज कीजिए सर कि हमको मॉक पे वीडियो बनाना है, ठीक है, तो पहले मैं शुरुआत कैसे किया था, शुरुआत में मैं कुछ नहीं लिखता था, बस आते थे और दिल में जो था वो मैं बोल देता था यहाँ पर आकर के, कि भाई देखो यार ऐसे ऐसे हो रहा है, आप जिस चीज़ को इतना कर रहे हो, ये चीज़ उतना भी बड़ा चीज़ नहीं है यार, आप करो, ये चीज़ चलता था। फिर धीरे धीरे क्या होने लगा कि थोड़ा सा एक होता है ना कॉन्टेंट, अब जैसे कि मॉक में नंबर नहीं बढ़ रहे हैं इनके, भैया मॉक में नंबर नहीं बढ़ रहे हैं, तो मैं बैठूंगा, मैं अपने टाइम को रियलाइज करूंगा कि मेरे साथ क्या क्या है। मैं किसी का भी वीडियो नहीं देखूंगा कि कौन क्या बोला है, मेरी ये सबसे ये अच्छी आदत हमको लगती है, देखूंगा तो फिर कॉपी हो जाएगा। मैंने जो एक्सपीरियंस किया उस सारे मोमेंट को मैं सोचूंगा कि हाँ मेरा मॉक में नंबर ऐसे बढ़ा है, मैंने ये काम किया है, मैंने कैलकुलेशन पे काम किया है, मैंने टफ पेपर नहीं बनाए हैं, ये सब सोचेंगे, स्कीपिंग गार्ड से भी नंबर मेरे बढ़े हैं आएंगे, सब कुछ वो एक पैटर्न लिखेंगे, ठीक है, उस पैटर्न को देखेंगे, एक टेक लेंगे, एक टेक में लगा कि अंदर से वो फील हमको नहीं आया तो हार्डली दो टेक तीन टेक भी कभी कभी हो जाता है, और फिर मैं उसको अपलोड कर फिर एडिट करके, एडिट में ज्यादा नहीं ज्यादा नहीं करता, अब वन टेक में शूट, क्योंकि हमको लग रहा है सामने कोई लड़का बैठा है और हमसे वो बात कर रहा है और वो पूछना चाहता है, तो मैं उसको बता देता हूँ। अमृत, एसएससी सीजीएल का जो एग्जाम है, बड़ा कहते ना कि आज के डेट में मोस्ट प्रेफर्ड एग्जाम है, राइट। आप सिविल सर्विसेज हो गया, पीसीएस निकाल दो, देन एसएससी, सब कुछ चाहिए। बट यहाँ पर एक ये भी चीज है कि इंजीनियर्स और जो साइंस बैकग्राउंड के लोग हैं उनका एक दबदबा सा दिखता है कि एमईए उठाओगे, शुरू से आप रैंक लिस्ट उठाओगे तो उसमें आपको साइंस बैकग्राउंड के लोग दिखने लगते हैं। आपको क्या लगता है कि आर्ट बैकग्राउंड के जो बच्चे हैं ह्यूमैनिटीज़ के हैं, जो जिन्होंने 11th 12th में साइंस नहीं रखा, इंजीनियरिंग नहीं करी, बीएससी नहीं करा, क्या इनके लिए एसएससी सीजीएल अब एक इम्पॉसिबल टास्क है? आपका क्या व्यू है? मेरे को ये लगता है ना सर कि ये बस एक परसेप्शन, एक मिथ है। कितने सारे ऐसे हज़ारों की संख्या में लोग हैं जिनका बैकग्राउंड आर्ट्स रहा है, कॉमर्स रहा है, और वो सिलेक्शन ले गए। ये चीज़ पहले हमको भी डर लगता था कि बीटेक वाले ही टॉपर आते हैं, भाई सब ये आते हैं वो आते हैं, ऐसा डर, ऐसा माहौल। अब जाहिर सी बात है कि जिस जगह से हम बिलोंग करते हैं वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा वो है, और बस यही बोलेंगे ना सर कि जो अगर 10th तक जिसका बेस अच्छा है, बेस भी अच्छा नहीं है छोड़ो ना, 10th का लेवल ही है, 10th तक अपना जिसका अच्छा है करो, 11th में क्या काम आता है, 12th में हम लोग क्या पढ़े, कितना डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन याद है, कुछ नहीं है। 11th 12th का कॉन्सेप्ट जो है वो 10th तक है, ज्योमेट्री है, मेंसुरेशन है, ट्रिग्नोमेट्री है, बस ये है सर। तो हमको ऐसा नहीं लगता है सर, और ये भी मैटर नहीं करता कि आप हिंदी बैकग्राउंड से हो कि आप इंग्लिश बैकग्राउंड से, दैट डज नॉट मैटर, अगर करना है तो कर जाओगे, नहीं तो सोचते रहो बैठ के भाई साहब। एक और चीज़ अमृत, आज के डेट में कि जो एक से यूट्यूब पे एक जेन्यून गाइडेंस की भी कमी है, आप अच्छा काम कर रहे हैं, आप गाइड कर रहे हैं, बट बच्चे को क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए यूट्यूब पे गाइडेंस लेते समय, कैसे वो जान पाएगा कि कोई जेन्यून है या नहीं है? सर ये अवेयर रहने से होता है सर, आप किसी को भी अगर सुन रहे हो ना तो देखो, आप किसी एक वीडियो में कुछ और बोल रहे हैं, दूसरे वीडियो में और बोल रहे हैं, देन ऑब्वियसली ये चीज़ें गलत हैं। एक वीडियो में मैं बोल रहा हूँ कि भाई साहब ये किताब बेस्ट है इससे पढ़ो, दूसरे वीडियो में ये किताब बेस्ट है इससे पढ़ो, तो यार क्या कर रहा हूँ मैं, ये चीज़ तो ऑब्वियसली मैं मिसगाइड कर रहा हूँ लोगों को, जो मैंने फॉलो किया वो मैं बताता हूँ। तो ये इतना थोड़ा अवेयर रहना पड़ेगा ऑडियंस को सर, क्रिटिकल रहो चीज़ों को, बहुत अपने हिसाब से देखो। यस अमृत, आपका ये थोड़ा सा फैमिली बैकग्राउंड क्या है, परिवार में कौन कौन है, थोड़ा सा बताइए, और ये सरकारी नौकरी के पीछे
जाने का कि एग्ज़ाम निकालना है, इसका जज्बा कहाँ से आया आपके अंदर? सर, परिवार में मम्मी हैं, पापा हैं और दो बहन और एक मैं इकलौता हूँ। और जहाँ तक रही बात जॉब की, तो वही है कि मेरी दोस्त सर्कल अच्छा अच्छा रहा है तो वो SSC कर रहा था, भाई साहब मैं भी SSC करूँगा, ऐसा ही था। और बाकी मेरे एक खानदान में किसी का जॉब नहीं था, तो एक होता है ना कि बिहार में सर कि अगर आपका जॉब हो जाता है ना तो थोड़ा सा अलग नज़रिया बदल जाता है। मैंने ये चीज़, मेरे को रियलाइजेशन था इसकी, थोड़ा एजुकेशनल बैकग्राउंड आ जाता है, तो एक ये भी रीज़न था सबसे बड़ा इस चीज़ के पीछे भागने का। अब बाहर आने का तो जैसे पटना आने का मन था, दिल्ली आने का मन था, लेकिन उसके लिए हम लोग उतने कैपेबल नहीं थे। तो फिर हुआ कि वहीं से शुरू करते हैं, वहीं से मतलब थोड़ा टाइम लगा, अपना कंसिस्टेंट रहें, परसिवियरेंस के साथ लगे रहें और फाइनली आज आपके साथ। और पेरेंट्स आपको समझते हैं जो आप यूट्यूब पे कर रहे हो, बोलते हैं क्या कर रहे हो सब? दे रियली सपोर्ट मी। अरे ग्रेट। पापा एक एक कॉमेंट मेरे पढ़ते हैं। अच्छा। और मम्मी बोलती है कि नेगेटिव कॉमेंट, पापा थोड़ा नेगेटिव कॉमेंट पर गुस्सा भी करते हैं, ये ऐसे कैसे बोल दिया। अब मम्मी बोलती है कि जाने दीजिए ना, लोग हैं वहाँ पे अलग अलग तरीके के लोग हैं, पॉजिटिव कमेंट देखिए। अब हम प्रवचन सुनते तो उसमें वो काफ़ी, अब देवकी नंदन जी हैं तो उसमें उनको भी नेगेटिव बोलता है, तो मम्मी थोड़ी स्ट्रांग है और थोड़ी मम्मी यूट्यूब के ऑडियंस को ज़्यादा बेहतर समझती है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो पेरेंट्स काफ़ी सपोर्टिव है सर, इनका सपोर्ट रहा है। मैंने इनसे बोला हुआ था कि आप हमें कुछ टाइम दीजिए, जितने भी पेरेंट्स ये लोग अगर वीडियो देख रहे हैं तो मैं बोलूँगा कि अपने बच्चे को कुछ टाइम दीजिए, उनको डिमोटिवेट मत कीजिए। पेरेंट्स ही ऐसे होते हैं जो भरोसा दिलाते हैं अपने बच्चे को, ये चीज़ है। अमृता, ये जो शो है रामू विद टॉपर्स, इसको देखते थे और क्या कभी सोचा था यहाँ आओगे? क्या थोड़ा फीलिंग है, थोड़ा शेयर करिए सर। और क्या अच्छा लगा आपको इस शो में आके? मुझे नहीं लगता था कि मैं आऊँगा, क्योंकि यहाँ पे रैंकर्स, मुझे मेरे दिमाग में परसेप्शन था कि जिसका रैंक 1 टॉप 10 में वाले बंदे ही आते हैं, मेरे को ऐसा लग रहा था। और जब आपका मैं मैसेज पढ़ा था ना, जो आपने मेरे वीडियो पर कमेंट करा हुआ था कि, और आप शायद मैसेज करे हुए थे खुद से। हाँ, मैंने खुद से किया था। तो मेरा मेल्ट हो गया फिर, अरे ये तो चमत्कार हो गया। मतलब एक ऐसा लगता है ना कि जो चीज़ आप देख रहे हो किसी के शो में, रैमो सर का आप शो देख रहे हो, और एक चीज़ आपकी बात बहुत अच्छी लगती है कि आप बोलने का मौका देते हैं सर, मतलब फ्रीडम है, कम्प्लीट है, आपने कहाँ से क्या क्या किया, ये चीज़ मैं, मुझे आपका बहुत अच्छा लगता है। और एक चीज़ और था कि अगर आप अगर नहीं, अगर सपोज कीजिए इनवाइट करते हैं, तो ये भी था कि दिमाग में कोई बात नहीं, अपना शो होगा एक दिन। अच्छा, तो मैंने एक तरह से एक कंपटीशन कम कर लिया आज। राइट। तो अमृत ने सोचा था कि अमृत विद टॉपर्स भी लॉन्च करेंगे, लेकिन ऐसा था कि मैं नहीं बुलाऊंगा, तो मैंने इनको बुला लिया और फाइनली जो है, चलो। मैं रात में सोच रहा था, काफ़ी इमोशनल था। अच्छा अच्छा। बट आपका जैसे ही मैसेज आया मैं प्राउड से भर गया, मतलब यार थैंक यू सो मच सर। फाइनली एक चीज और बोलूंगा कि आप हमारे गुरुजी हैं और हमेशा मेरा स्थान यहाँ रहेगा, आशीर्वाद बना के रखिएगा। बहुत बिल्कुल आशीर्वाद आपके साथ है। अमृत, जाते जाते एक मैसेज कोई एस्पिरेंट्स के लिए जो छोटी जगहों से आते हैं, सपने बड़े हैं, पूरा करना है उनको वो सपना। सो मैं अपने बारे में छोटा सा बताना चाहता हूँ। मैं भी एक गाँव से आता हूँ और जब मैं 10th का एग्ज़ाम दे रहा था तो वो जो रूम था जिसमें मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ 10th का बोर्ड एग्ज़ाम, वो फर्श नहीं है उसमें, धूल से सना हुआ वो कमरा था, और बोरा बैठने का जो होता है, बोरा बोलते थे हमारे यहाँ, वो घर से लेके जाना होता था। तो वहाँ बैठ के हम लोग पैड खुद का लेके जाके पैर पे रख के एग्ज़ाम दे रहे थे। तो पहली बार उस दिन ख्याल आया कि ज़िंदगी में बड़ा कैसे कर पाएंगे, जब इस तरह के माहौल में हम कैसे उन शहर के लोगों से कम्पीट कर पाएंगे, कुछ कर पाएंगे। बट एक काउंटर थॉट भी अंदर क्रिएट हुआ कि अब इस चीज़ को बदलना पड़ेगा, अगर हम बड़ा सोचेंगे नहीं तो होगा भी नहीं, या तो बाकी लोगों की तरह ये मान लें कि यही हमारी ज़िंदगी है और यहीं हम रह जाएंगे, या फिर हम यहाँ से कुछ बड़ा करने का सोचें। तब से थोड़ा सोच वहाँ अलग हो गई मेरी। मैं लड़ रहा था हर चीज़ से कि मुझे, चलो अगर सुविधाएं नहीं हैं या बहुत अच्छी एजुकेशन का एक्सेस नहीं है, तो भी मुझे कुछ बड़ा करना है बस। और आई थिंक उस सोच ने ही एक डिफरेंशिएशन क्रिएट किया और कुछ आगे हम कर पाए। आपकी एक जर्नी भी कुछ ऐसी दिख रही है मुझे कि छोटी जगह से आए, सपने बहुत बड़े हैं और उसको आप एक एक करके वो पूरे होते हुए आप दिख रहे हैं। आपको क्या मैसेज है आपका उन बच्चों के लिए जो ऐसे ही माहौल में हैं और बड़ा सोचने से भी घबराते हैं कि होगा भी कि नहीं होगा? मैं इस पर ये बोलूँगा ना सर कि सपने देखने से ही पूरे होते हैं। तुम सपने देखो, तुमको आज झूठ लग रहा है लेकिन तुम उसको अगर रिपीटेडली सोच रहे हो, अगर तुम सच में कोई तुम्हारा अगर सपना है और तुम उसके बारे में कंटिन्यूअसली सोच रहे हो कि हाँ भाई अगर आज नहीं पूरा हो रहा है कोई बात नहीं भाई, तुम सोच रहे हो, सोचने से अपने आप रास्ते बनने शुरू हो जाते हैं। और नहीं सोचोगे तो रास्ते कैसे बनेंगे? अगर आप अगर सोचिए सर कि अगर मैं सोच रहा हूँ कि 10 लाख रुपया का महीना मुझे मंथली अर्न करना है, तो दिमाग मेरा खुद ही बताएगा कि रास्ते दिखाएगा। करोड़ का सोचेगा तो करोड़ों का वो आइडिया देगा आपको। और आज के डेट में जितने भी लोग सक्सेसफुल हैं ना कहीं उनके यहाँ से पहले थॉट आता है, थॉट प्रोसेस आता है। कुछ भी चीज़ आप देख रहे हो तो आप ये मत सोचो कि आपकी ये कैपेसिटी से बाहर है, जिसको हम लोग बोलते हैं औकात। सब कुछ आपके अंडर में है,
आप अगर यहाँ पर हो ना, तो जो सारी चीजें आपको यहाँ पे लग रही है वास्तव में यहाँ पर नहीं है, वो आपके नीचे ही है। जितने भी लोग ये गांव से कहीं से भी ये लोग देख रहे हैं, सब अपने आप में शेर है, सबके अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट भरा पड़ा है सबके अंदर, बस उसको पहचानने की देर है सर। बिल्कुल एग्री, और ये बहुत बहुत ज़रूरी चीज़ है कि जब तक आप सोचोगे नहीं तब तक आप कर ही नहीं पाओगे। Exactly. एक कुछ लाइनें भी हैं किसकी है मुझे पता नहीं है, कहते ना कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं Yes. होता। ये बहुत सही बात है कि जब तक बड़ा नहीं सोचोगे बड़ा हो भी नहीं सकता है। अमृत आपका बहुत बहुत धन्यवाद रेमोवे टॉपर्स में आने के लिए, और अमेजिंग पर्सनालिटी हैं ये, बहुत एनर्जी इनके अंदर है और बहुत कुछ सीखने का भी है। मुझे ऐसे लोगों से मिलकर बड़ा अच्छा लगता है कि एक सोच बड़ी है जिस इंसान की ना, वो क्रिएटिव होता है, वो कुछ नया करने की कोशिश करता है, वो आप कर रहे हो। और मैं सभी बच्चों से बोलूँगा कि इनका चैनल सब्सक्राइब करें, डुमराव टीवी के नाम से चैनल है, और देखें किस तरह से गाइड कर रहे हैं, और आशा करता हूँ कि आप बहुत मोटिवेशन इनसे पाएंगे इस एग्ज़ाम को निकालने के लिए। अमृत आपका बहुत बहुत धन्यवाद शो में आने के लिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।